हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। देखिए झारखंड में जो है जिला स्तरीय नई नियुक्ति की अपडेट जारी हो चुकी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट, कैसे करेंगे अप्लाई। तो देखिए झारखंड में जो है फाइनली 24 जिला से वैकेंसीज की अपडेट जारी हो चुकी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बैच में विजिट करें, दूसरे प्रेस बेल आइकन फोल्डर से अपडेट। देखिए वैकेंसीज कहां से आई हुई, तो झारखंड के प्रत्येक जिला स्तरीय यहां पे अपडेट जारी हुई है कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय से वैकेंसीज आई हुई है, जो विज्ञापन संख्या 1/2022 से है। यहाँ पे निकाली गई है, देखिए झारखंड साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति होगी, जिसमें कि देखिए रिक्त पद आरक्षित के लिए 165 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 143 है और अनुसूचित जाति के लिए 0 है, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है। कुल टोटल मिला के 315 सीटें हैं। और बताया जाता है कि पदों की जो संख्या है वो जनरल एसटी एसी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए नहीं है, बीसी के लिए नहीं है, यानी कि जनरल और एसटी के लिए है। यहाँ पे बताया जाता है कि देखिए क्या इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फाइनली जो है शैक्षणिक योग्यता धारी जो है हमारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण यानी कि 10th पास आप होने चाहिए। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, आपराधिक इतिहास न हो, चरित्र की जाँच नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। उम्र सीमा की बात करते हैं, तो उम्र सीमा जो न्यूनतम है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे दिया नहीं गया है, अनारक्षित के लिए 35 यानी कि 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इसकी गणना जो है 2/1/2023 से की जाएगी। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया की बात करते हैं, तो एक लिखित परीक्षा होने वाली है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित पूछे जाएंगे, यानी कि फाइनली जो है 50 अंकों का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि लिखित परीक्षा होगा अपने जिला के सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा के रिलेटेड। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य हो जाता है। सफल उम्मीदवार की जो है सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 50 अंकों के लिए पूरे 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उत्तर गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटौती नहीं होगी, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। जो हमारा शारीरिक मापदंड होना चाहिए वो सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होता है, तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नंबर आता है तो आपका यहाँ चिकित्सीय परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट होने वाला है। उसके बाद परिवीक्षा होने वाला है। उसके बाद वेतन मान का यहाँ पे देखिए आपको बताया जाएगा, जो भी पे ग्रेड होगा। उसके बाद आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। तो चलिए फाइनली जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी है। यहाँ से देखिए फॉर्म आप फिलअप करने के लिए डाउनलोड कर सकते हो, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। कुछ नहीं करना है, फोटो चिपका के इसमें कुछ यहाँ पे नॉर्मल सा जो है आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। और फॉर्म फिलअप करने में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप अगर फिलअप कर देना चाहते हो तो फिलअप कर देना, क्योंकि इसमें किसी भी जिले के रहने वाले हो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी तरह लाइक करना, पहली बार चैनल पर विजिट करें, दूसरे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करती हूँ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ मिलते हैं।